और उस दिन एक बड़ी दिलचस्प बात दिलजीत ने खुद अपने मुंह से बोली उन्होंने कहा कि जब इन्होंने मुझे कॉल किया यानी आपने दिलजीत को कॉल किया कि मुझे अमर सिंह चमकीला पे एक फिल्म बनानी है और आपको कास्ट करना है तो वो उनके ही ऊपर पहले ही एक फिल्म बना चुके थे जो कि शायद कुछ हाँ जोड़ी जोड़ी हां तो उन, उनको लगा कि आपका जब फोन आया तो मुझे लगा सू का फोन आया है यानी कि सू करने के लिए आपने फोन किया मगर okay. uh, उन्होंने फिक्शनलाइज किया था हाँ. उन्होंने कुछ इवेंट्स से फिक्शनलाइज करके कहानी बनाई थी तो हुँ. तो उनको लगा कि पता नहीं हमने क्यों फ़ोन किया हमारे पास राइट्स है उनको पता था कि राइट्स हमारे पास अच्छा. है बट देन आई टोल्ड इम हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग था उससे मिलना बिकॉज uh, उन्होंने कहानी बताई ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट को डायरेक्टर कहानी बताता है या राइटर राइटर ने पहले उसने बताया कि सर देखो हमने ना ये बना दिया है अब देख लो बट उसका हमारे कहानी से कोई लेना देना नहीं था माय टेक वाज टोटली डिफरेंट सो वी बोथ लाइफ एंड टाइम्स बिकॉज टाइम्स तो उस वक्त बहुत कत्लारत या वायलेंस hmm. चल रहा था yeah. बहुत बहुत अत्याचार बहुत सारे लोगों पर हो रहा था hmm. बहुत परेशान थे लोग और वही चमकीला की म्यूज़िक का पीक था गोल्डन एरा था और उसके सारे गाने उसका कोई भी गाना तकलीफ पर नहीं था ओह oh, अच्छा उसका कोई भी गाना अभी जो ख़राब हो रहा है उस पर नहीं था उसका ah. हर गाना खुशी और सेलिब्रेशन का गाना था क्या बात है सो दिस इज वॉट दैट इस वक्त ये गाना क्यों चल रहा है Aha. क्योंकि लोगों को आर्टिस्ट से उस वक्त राहत की जरूरत होती है एंटरटेनमेंट hmm. की जरूरत होती है बाकी वो खुद ताकत अपने अंदर ढूंढ लेगा hmm. मगर आर्टिस्ट का काम सिर्फ

Uh, जब वी मेट के बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं वो लाइन लिखने वाला हूँ hmm. मगर उस वक्त जब मैं लिख रहा हूँ तो मैंने लिखा और वो क्यों लिखा ऐसा नहीं था कि मैंने किसी और फिल्म में ये बात देखी थी बट hmm. मुझे लगा ये एक स्वाभाविक है कि वो एम्बेस्ड hmm. होगा yeah. समाव so, फिर आप फिर यू लर्न दिस थिंग एंड आई एम राइटिंग आई एम ऑल्सो लर्निंग सो वट हैव यू लर्न अबाउट मैन पर्टिकुलरली इन पंजाब क्योंकि ये वो दौर है 60s में अमर सिंह चमकीला पैदा हुए 1960 में एक्चुअली और 1987 या 88 में ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी वो उस टाइम जब पूरा खालिस्तान मूवमेंट वगैरह बहुत चरम पे था एंड ही रोट सॉन्ग्स ऑन द टेंपर प्रॉब्लम्स ऑफ द मेन इन पंजाब बट टेंपर प्रॉब्लम्स इन अ फनी वे इन अ फनी वे अच्छा या इन अ इन अ वे दैट उसने उतेश में फलाना कर दिया और अच्छा. उसने Oh, उसका दिमाग ख़राब हो गया इस तरह से मतलब नॉट ही नेवर रोट अबाउट वॉट वॉज गोइंग ऑन पोलिटिकली